द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 33। हृदय में भगवान वर्ड टू वर्ड ना कभी नहीं ही निश्चय ही अतः इसके परे अन्य सब कुछ सिवा कल्याणप्रद पंथा साधन विशतः भटकते हुए समस्तुतो भौतिक जगत में इस जीवन में वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान भक्ति योग प्रत्यक्ष भक्ति यतः जहां भवेत ऐसा है ना ही तो ना ही अतो अन्य शिव पंथा विशत संस्तुता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत् नाहितो अन्य शिव पंथा विशत संस्तुता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगे यतो भवेत् नाहितो अन्यः शिव पंथा विशत संस्तुता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत् वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत् नायतो हि अन्य शिव पंथा माता जी
ना कभी नहीं ही निश्चय ही अतः उसके परे अन्य अन्य सब कुछ शिवः कल्याणप्रद पंथा साधन विशतः भटकते हुए समस्तुतो भौतिक जगत में इह इस जीवन में वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान भक्ति योग प्रत्यक्ष भक्ति यतः जहां भवेत ऐसा है। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं इसके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। तात्पर्य में गुरु प्रभुपाद महाराज लिखते हैं जैसे कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, भक्तिमय सेवा या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भवबंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भवबंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंध विविध विधियां कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेक अनेक वर्षों बाद भक्तियों की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवद गीता 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि जो लोग परम के निर्विशेष पक्ष के प्रति आसक्त हैं उनके लिए इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में उनको कष्ट उठाने पड़ते हैं, और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेक अनेक जन्मों के बाद वासुदेव की अनुभूति की महात्मा को समझ पाते हैं। जहां तक योग पद्धति का संबंध है, भगवद गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि सभी योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है वह योगियों में सर्वोच्च है। भगवद गीता 18.66 के अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार का तथा भव बंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों का अन्य सारे कार्यों छोड़कर भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसे कि भागवतम के श्लोक में प्रथम स्कंध में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन ही जिनका प्रयवासन भक्ति योग में होता है। धर्म के सर्वोच्चम रूप में इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। श्री सीधर स्वामी तथा जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल सहज प्राकृत तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन्य शलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावतूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानं सगणललिता श्रीविशाखान्तस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है हृदय में भगवान। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है जो लोग भौतिक विषयों में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। पूरे भागवतम का साथ दे दिया। हम सब भौतिक ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। ये जितने भी वैदिक शास्त्र है भगवद गीता भागवतम है हमें हमारा गंतव्य स्थान बता रहा है। हमारा गंतव्य स्थान ये भौतिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत है। और ये जितने भी पुराण भागवत ये सारे के सारे भगवान के धाम में कैसे पहुंचा जा सकता है वही इंगित करता है। लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उसको अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं। यहीं कुछ इधर उधर से पढ़ लिया या कहीं किसी से सुन लिया, YouTube पे देख लिया तो हम समझ गए। आजकल हम जहाँ भी प्रचार करने जाते हैं हम लोग 99% लोग सोचते हैं कि भगवद गीता कर्म योग सिखाती है, कर्म की बात करती है। लेकिन भक्त जानता है कि भगवद गीता में भगवान अपनी भक्ति कैसे करनी है, कैसे उनको प्राप्त करना वो दिखाते हैं। ज्यादातर लोग मायावादी सोचती तरह सोचते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन भगवद गीता में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है और भगवद गीता के नाम पे सब लोग सिखाते हैं कर्म योग करो। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आएगा तो वो कुछ सिखाएगा। हाँ, लेकिन भगवान भगवद गीता में अपनी भक्ति दिखाते हैं, अपनी माधुर्य दिखाते हैं, अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं कि किस तरह हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, कैसे कर्म करना वो सिखाते हैं। कौन से कर्म करेंगे तो बंधन में आ जाएंगे, कौन से कर्म करेंगे तो बंधन से छूट जाएंगे। लेकिन प्रमाणिक छोटा से नहीं सुनने के कारण अपना अपना तर्क निकालते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता स्पष्ट किया है एवं परंपरा प्राप्तो राजसुविदो। ये ज्ञान परंपरा से आना चाहिए, नहीं कि मन माने ढंग से। कई बार मंदिर लोग आते हैं तो कोई लोग आते हैं ये सोच के आते हैं कि मंदिर बहुत सुंदर है इसीलिए यहाँ जाके रेस्ट कर लें। क्या मंदिर रेस्ट करने के लिए है? कोई आता है यार बहुत सुंदर, कोई आर्किटेक्ट आता है बहुत सुंदर कारीगरी है, हमें देखना चाहिए कि इसका कार्विंग कैसे बना है, इसका गुम्मट कैसे बना है। क्या मंदिर का उद्देश्य ये है? कोई आता है मंदिर में कि चलो पेंटिंग देखते हैं कि भगवान की पेंटिंग्स कैसे है तो मैं पेंटिंग्स बनाऊं,
ये उपदेश है मंदिर जाने का। मंदिर जाने का उपदेश है कि भगवान की भक्ति भक्तों के संग में किस तरह की जाती है और कैसे हम कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसीलिए हमें मंदिर, भगवान को आदर देने के लिए हमें मंदिर जाना चाहिए, ना कि कोई कारविन देखने या घूमट देखने। या ये तो भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही मिल जाएगा। प्रभुपाद समझाते हैं कि किसी को छाव चाहिए तो पेड़ उगाने से मतलब नहीं है, छाव तो अपने आप मिल जाएगी। जब पेड़ उगेगा, आम का पेड़ उगा तो फल फल भी मिलेगा और छाव तो अपने आप मिल जाएगी। इसीलिए भगवान की भक्ति करने से सर्व कर्म कृत होय, सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहां पे वर्णन आता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, कि भक्तिमय सेवा प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भवबंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण और कल्याणप्रद साधन है। इसीलिए हम नए भक्तों को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करेगा तो ही वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा, नहीं तो उसकी जो मेंटालिटी बनी हुई है वही रहेगी। इसीलिए भक्ति योग बहुत आसान है। भव यहां लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, भव बंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय है। जैसे हमने आगे देखा योग, तो योग ये सब अप्रत्यक्ष उपाय हो सकते हैं, लेकिन कलयुग के लिए संभव नहीं है। कौन कर सकता है ऐसे इतने सारे योग? हाँ, शक्य भी नहीं है। कितने सारे वर्णन आए थे यहाँ पे कि सिद्धि पाने के लिए कैसे बैठना है, प्राणवायु को उठाना है, तलवे पे ले जाना है, फिर ब्रह्म रण से निकालना है, कैसे संभव है? हमें तो यही नहीं पता है कि अंदर कितने वायु है और कहाँ कौन सा चक्र है। हाँ, अभी योग क्लास चल रहे हैं बहुत सारे, हमारे प्रधानमंत्री भी योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जब प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में लग जाएंगे, यहां लिखा है ना, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे कि भक्ति योग भक्तिमय सेवा प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भगवान से का उद्धार का एकमात्र कारण है। हम यहां जितने भी भक्त आए हैं वो ऐसे नहीं आए हैं, किसी ना किसी भक्त ने उसको यहां आके भक्ति की सेवा में लगा दिया। भक्तिमय सेवा करने से उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जितने भी कहे जो भी भक्त यहां बैठा है, पहले आते थे खाली प्रसाद लेने आते थे, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी कोई सेवा देते थे कि आप ये सेवा करिए, ये सेवा करिए, आप हार बनाइए भगवान के लिए, ये लाइए। तो धीरे 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 वो सेवा में लग गया, उसको सेवा में प्रेम उत्पन्न हुआ, तब भगवान से आकर्षण हुआ, तब धीरे धीरे सब छोड़ दिया। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भगवान की सेवा में लगना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की सेवा में लगना, नहीं कि खाली आना और चले जाना। हम देखते हैं कई लोग रोज मंदिर में आते हैं, शिव मंदिर में आते हैं, राम मंदिर में आते हैं, लेकिन उनकी प्रगति नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उनको भक्तिमय सेवा में लगाएंगे तो धीरे धीरे उनका हृदय का शुद्धिकरण होता जाएगा। फिर लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अप्रत्यक्ष उपाय है। फिर आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंधित विधियां कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ज्ञानी भी भगवान को नहीं जान सकता, योगी भी भगवान को नहीं जान सकता। भगवान नारद जी को कहते हैं कि मैं कहां रहता हूं, मैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, तो कहां रहते हैं भगवान? मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूं। तो हम ये जो भागवत करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान यहां उपस्थित है। योग करेंगे, भगवान बोलते हैं मैं वहां नहीं हूं। बहुत सुंदर आलवर की कथा आती है, आप सबने सुना होगा कि एक बार एक आलवर, मतलब रामानुजा संप्रदाय से है,
ये आचार्य शील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आलवर की कथा आती है। एक बार एक आलवर जा रहे थे तो एकदम जोर से बारिश होना शुरू हो गई, तो अभी बारिश से बचने के लिए वो एक गुफा में चले गए, एक जगह में चले गए। तभी क्या किया जाए, जगह थी, बड़ी जगह थी, मतलब इतनी जगह थी कि एक आदमी सो सके, तो वो सो गए वहाँ पे। उठने में एक दूसरा आलवर वहाँ पे आ गया। अब एक व्यक्ति सोया हुआ है और दूसरा आलवर आ गया, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ी जगह दीजिए। तो बोले हाँ ठीक है, आप एक व्यक्ति सो सकता है, दो के व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो वो भी बैठ गए। बारिश शुरू हो रही, तेज हो रही थी, इसने में तीसरे आलवर आ गए, तीसरे व्यक्ति आ गए। और तीसरे व्यक्ति आए तो बोले जगह दीजिए। बोले दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, इतनी जगह है, तो कोई बात बात नहीं, तीन व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते, तीन व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। तो वो सब खड़े हो गए और भगवान की चर्चा करने लगे, क्योंकि भगवान के भक्त जब मिलते तो क्या करते हैं, दुष्यंत टीचर अमन टीचर, वो एक दूसरे को भगवान की बातें बताते हैं। तो वो सब आलवर अब भगवान की बातों करने में इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि जगह तीन व्यक्ति थी लेकिन वहाँ गुफा में मतलब भीड़ जैसा लगने लगा, और वो अपनी कथाओं में मग्न थे, सब एक दूसरे को बात कर रहे, मच्चित मत घट का प्राणा बोधय अंडा परस्परा, एक दूसरे को उपदेश दे रहे थे, भगवान कृष्ण की लीलाओं का चर्चा कर रहे थे। और ऐसा लगता था उन लोगों की कई और व्यक्ति आ गए हैं, तो जगह कम पड़ने लगी। हालांकि काफी समय हो गया, बारिश भी बंद हो चुकी थी, लेकिन वो कथा में इतने मग्न थे, तो उन्होंने देखा कि कौन चौथा व्यक्ति है। जब उनके बाह्य चेतना आई तो देखा कौन चौथा व्यक्ति है, तो वो स्वयं भगवान वहां पे आ गए। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मेरे भक्त जहां चर्चा करते मैं वहां उपस्थित होता हूं, ये रामानुज संप्रदाय में आता है। तो जो भक्त प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए हमें सब भक्तों को भगवान की सेवा में, नए जो भी नया भक्त आता है उनको भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, उनको कोई ना कोई सेवा में लगाना चाहिए, तभी वो टिकेगा, नहीं तो वापिस चला जाएगा। तो यहाँ पे वर्णन आया है, फिर कहते हैं कि ज्ञानी भी भगवान को नहीं जान सकते, योगी भी नहीं जान सकते, ये सब उनको स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्य मनुष्य को अनेक अनेक जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद पता चलेगा कि भगवान कृष्ण है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें तुरंत पता चल गया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट हमें भगवान की सेवा में लगा दिया है। कितना बड़ा कार्य किया है श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, कई कई जन्मों से योगियों को के बाद पता चलता है, वो हमें डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद जी ने बता दिया। जैसे एक भक्त उदाहरण दे रहे थे कि कोई सस्पेंस पिक्चर देखने जाते हैं तो सस्पेंस आखिर में खुलता है, लेकिन किसी को पता होता है तो तुरंत बता देता है, वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ पहले बता दिया, सब कुछ, सारे ग्रंथों का वैदिक सार सबसे पहले बता दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तुरंत, तभी हम समझ पाएंगे। हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगा दिया, नहीं तो ये करो वो करो वो करो। श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ी कृपा करी हम पे, वेदों का सारे, क्योंकि भौतिकवादी लोग प्रभुपाद की बुक को नहीं समझ पाते, बोले ये हर जगह पे कृष्ण 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 लिखा है प्रभुपाद जी ने, कर्मयोग भगवान कृष्ण की सेवा, सब जगह श्रील प्रभुपाद जी भक्ति योग लिखा है, क्योंकि भक्ति योग ही भगवत गीता का सार है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हर तात्पर्य में भगवान की सेवा, भगवान की प्रेममय सेवा, भगवान कृष्ण की भक्ति वही लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि सार क्या है। यहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि अधर्म अध्याय का 67वें श्लोक में अंतिम सार है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और श्रील प्रभुपाद ने वही बता दिया और सिंपल प्रोसेस दे दी कि आप चार नियमों का पालन करो, 16 माला करो, बस सिंपल, भक्तों के संग में रहो, इतना सिंपल विधि दे दिया है। तो भक्ति करना
सबसे सिंपल है। और भगवान भी गारंटी देते हैं, बार बार भगवत गीता में भगवान गारंटी के सिवा कुछ नहीं देते। यदि आप देवी देवताओं के पास जाएंगे तो वो आपको क्षणिक क्षणिक लाभ देंगे, लेकिन भगवान परमानेंट। चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि आमी भजे, मुझको भज रहा है और मांगे विषय सुख। जो मुझे भज रहा है तो विषय सुख मांगता है। आमी विघ्ना, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं उसको विषय सुख नहीं दूंगा। स्वचरणम उद्दिया, मैं अपना चरण देके उनको विषय सुख भुला दूंगा। लेकिन देवता ऐसा नहीं करते, देवता नहीं देखते कि इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, वो दे देंगे। अंतर है ना। इसीलिए भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम में कवि महाराज लिखते बताते निमी महाराज को, कहते कि या नास्थाय नरो राजन न प्रबत प्रमादेत कही चित्त धावन निमिलश्यवान नेत्रे न सकलेत पते यह। क्या कहते हैं कि भक्ति योग इतना सरल है। या नास्थाय नरो राजन, हे राजा, भगवान की भक्ति का जो मार्ग ग्रहण करता है, न प्रमादेत कही चित्त, वो ये भौतिक जगत में कभी नहीं गिरता। क्या लिखते हैं, ये भौतिक जगत में कभी गोठा नहीं खाता, गिरता नहीं। जो भगवान की भक्ति में लगा है वो इस भौतिक जगत में कभी गिरेगा नहीं। धावन निमिलस्य या वा नेत्रे, मतलब वो आंख बंद करके भी दौड़ेगा ना तो भी नहीं गिरेगा। भक्ति मार्ग में आंख बंद करके आप आ गए कि ये हरे कृष्ण मूवमेंट है, आंख बंद करके अभी आ गए तो भी आप गोठा नहीं खाएंगे ये हरे कृष्ण मूवमेंट में, ये कहना चाहते हैं। न सकलेट पटे यह, ये कभी ठोकर खा के नहीं गिरेगा। कवि महाराज बताते हैं निमी को, महाराज निमी को, कितना सरल विधि है ये भक्ति मार्ग में। आप आंख बंद करके भी दौड़ेंगे, चाहे किसी भी कारण से आप इस्कॉन में जुड़ गए, कभी गोठा नहीं खाएंगे। बहुत सिंपल विधि दी गई है। इसीलिए भगवान भी भगवत गीता में जगह जगह पर आश्वासन देते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, भक्ति करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझे खाली समर्पित हो जाओ। अहम तम सर्व पापे भी मोक्षे सीमा सुच, तुम फक्त मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का फल मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? तो भगवान कहते अपिचेतो सुदुराचारे, तुम अभी तक जितने पाप किए भूल जाओ। अपिचेतो सुदुराचारे, अभी तक जितने भी पाप किए, अपिचेतो सुदुराचारे, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, मेरी अनन्य भक्ति में लग जाओ। भजते माम अनन्य भाग, क्या हो गए अनन्य भक्ति करेंगे तो साधु रेव समन्तव्य, तुम साधु बन जाओगे। सम्यक व्यवस्थित, और इसके बाद भगवान कहते हैं कि साधु तो बन जाओगे लेकिन होगा क्या, पहले का पाप पड़े हो उसको क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय पति जानाति नमे भक्त्य प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अनन्य भक्ति में लगोगे ना तो क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुम धर्मात्मा बन जाओगे, भक्त बन जाओगे। और क्या होगा, हम सब शांति चाहते हैं, शाश्वत शांति मिल जाएगी, शाश्वत शांति निगच्छति। और अर्जुन को कहते कौन्तेय प्रति जानाति, अर्जुन तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानाति नमे भक्त्य प्रणश्यति। तो भक्त नाश नहीं होगा तो क्या होगा, जब भगवान कहते कि तुम्हारा नाश नहीं होगा तो क्या होगा, भगवान उद्धार करने आएंगे क्या, भगवान आएंगे हमारा उद्धार करने? हाँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कैसे कहते हैं, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पाद मई आवेशित चेतसाम। क्या कहते हैं, तेषाम, तेषाम मतलब उन लोगों के लिए, तेषाम अहम, अहम भगवान छाती पीट के बोलते हैं मैं अहम, क्या कहते, तेषाम अहम समुद्रात, मैं उद्धार करने वाला हूं,
तेसाम हम सब उद्धर मृत्यु संसार सागर, हम सब मृत्यु संसार के सागर में पड़े हुए हैं। तो भगवान गारंटी देते हैं तेसाम में उन लोगों के लिए, कहाँ आऊंगा? मृत्यु संसार में आऊंगा, मृत्यु संसार सागर। भवामी ना चिराट पाठ, भवामी ना चिराट पाठ मतलब अर्जुन मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। भवामी ना चिराट पाठ मई आवेशी चेतसाम, जिसकी चेतना मुझ में लगी है, जिसकी चेतना मुझ में लगी है उनका उद्धार करने में खुद आऊंगा। ये भगवान 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं। तो भगवान खुद उद्धार करने आएंगे, बोलिए, इतना गारंटी देते हैं। लेकिन हमें भगवान पे विश्वास नहीं है, हम देवी देवताओं के पास जाते हैं जो क्षणिक लाभ देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ रहे तो हम बाबा फकीर के पास जाते हैं, वो भी कम पड़ रहे अभी, बहुत दुर्भाग्य है। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए, दृढ़ता से प्रचार करना चाहिए, तभी ये लोगों का उद्धार होगा। लोगों को बताना चाहिए क्रिस्तस्तु भगवान स्वयं। अकेले शील प्रभुपाद जी ने बताया कि क्रिस्तस्तु भगवान स्वयं, और भक्ति मतलब, शील प्रभुपाद जी ने भक्ति की व्याख्या की, भक्ति मतलब भगवान की प्रेममय सेवा। एकमात्र आचार्य शील प्रभुपाद जी ने बताया हमें कि भक्ति मतलब भगवान की प्रेममय सेवा। भगवान से दयालु कौन हो सकता है, कितने दयालु है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, अहो बकी यत् स्तनम कालकूटम जिंधा यसा अप यत् अपि असाध्वी लेभे गति धात्री उचिताम यत् अनन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेत। भगवान से दयालु कौन है कि वो पूतना भगवान को दूध पिला के मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उनको धात्री माता का ये दे दिया। तो भगवान से दयालु कौन हो सकता है? इसीलिए एकमात्र कारण है भगवान की भक्ति करना, और कोई कारण नहीं। और ये भागवतम का सार दे दिया कि भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं कर सकते हम, ना योग कर सकते, ना तप कर सकते, ना ज्ञानी बन सकते, क्योंकि ज्ञानी भी नहीं जान सकते, ज्ञानी जान के निर्विशेष में पड़ जाएगा। लेकिन सिंपल है कि भगवान की भक्ति करने मात्र से हम भगवान के धाम बहुत बहुत जल्दी जा सकते, क्योंकि भगवान परम सृष्टा है जबकि देवी देवता सृजित है। भगवान परम नियंत्रक है, सारे देवी देवता नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है। परम पूजनीय है भगवान, अहम आदि देवानाम, देवता भी नहीं जानते भगवान को, लेकिन परम की पूजा करने वाले सारे देवी देवता परम की, भगवान की पूजा करते हैं। परम भोक्ता है और हम सब भोग्य है। वो परम सत्य है, वो संक्षेप देवताओं संक्षेप सत्य है, टेम्पररी है, बदल जाएंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के भक्त है सारे देवी देवता। वो भगवान परम आश्रय है, वो सीमित टेम्पररी आश्रय स्थान है, भौतिक सृष्टि से परे है, लेकिन देवी देवता भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है। देवताओं का एडमिनिस्ट्रेशन बदलता है ना, तो देवी देवता ही बदल जाते हैं। वो परम उपकारी है, वो देवी देवता आशित उपकारी है, सीमित है, अस्थाई है, प्रदान करने वाले स्वयं ही लाभान्वित होते हैं, पहले तो अपना उद्धार करते हैं। परम शक्तिमान है भगवान, लेकिन वो स्वतंत्र शक्तिमान नहीं है, वो भी भगवान से लेके हमें देते हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, आध्यात्मिक है, लेकिन इनका शरीर भौतिक है। वो माया को भी प्रभावित, वो कभी माया से प्रभावित नहीं होते भगवान, लेकिन देवी देवता माया से प्रभावित हो जाते हैं। हम सारे दिखते हैं, हम सब इंद्र मोहित हो जाते हैं, शिव जी मोहित हो जाते हैं, हाँ, तो ये सब मोहित हो जाते हैं। भगवान असीमित ज्ञान के भंडार है, उनके पास सीमित ज्ञान है। भगवान एकमात्र मोक्ष प्रदान करने वाले में सक्षम है, इसके लिए उनका एक नाम है मुकुंद। लेकिन कोई भी देवी देवता मुक्ति देने के लिए स्वतंत्र नहीं है।
इसीलिए परम भगवान एक है और उनका नाम है कृष्ण। भगवान कृष्ण परम पुरुष है जो अनंत शक्तियों ऐश्वर्य से युक्त है। कृष्ण का देह दिव्य है, कृष्ण समस्त दिव्य गुणों के स्रोत है और कृष्ण के समान या उनसे उच्च कोई नहीं है। कृष्ण प्रत्येक वस्तु और जीव के स्रोत है, अन्य सभी कृष्ण के सेवक है। समस्त वेद भगवान कृष्ण को समझने के लिए है। कृष्ण को जो जानने में सब भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम कृष्ण को जैसे ही जानते हैं हम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जन्मे कर्मे चमे दिव्यम योवम वेति तत्व तत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। भगवान को जानने मात्र से हम मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण को जानने से हम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण ही मोक्ष का एकमात्र प्रदाता है। कृष्ण की आराधना करने से सबको सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे हम मूल में पानी देते हैं तो सब पत्ती फूल सबको पानी मिल जाता है, वैसे भगवान को संतुष्ट करने से हम सभी को संतुष्ट कर पाते हैं। जैसे हमने दुर्वासा मुनि की कथा में सुना कि दुर्वासा मुनि के 7,000 शिष्य थे, लेकिन भगवान के भक्त पांडवों ने क्या किया, भगवान को अर्पण किया। एक दाना खाने से सारे के सारे संतुष्ट हो गए। मनुष्य जन्म का उपदेश कृष्ण के लिए प्रेम विकसित करना है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना, उनके धाम को प्राप्त करना। यह केवल अप्रतिबिंबित शरणागति या भक्ति योग के द्वारा ही संभव हो पाएगा। अनन्य भक्ति के द्वारा, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग में भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए सबसे सरल उपाय उनके दिव्य नामों का कीर्तन करना है। भगवान ने अपनी सारी कलयुग में ये सारी शक्ति अपने नाम में भर दी। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रात पिता निमित्त स्मरणे न काल। उनके लिए कोई बंधन कोई नियम भी नहीं लगाया है। इसीलिए हमें क्या करना है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमें हमारी चेतना को बदलना है, हमारी चेतना को कृष्ण में लगाना है। माता जी कुकिंग कर रहे हैं तो भी हरे कृष्ण महामंत्र से कुकिंग कर सकते हैं। प्रभु जी ऑफिस जा रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र लेते लेते जाए। कहीं पे भी चाहे हम पवित्र हो अपवित्र हो, सोच कार्य कर रहे काय कुछ भी कर, हम स्नान कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। क्योंकि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और कलयुग में हम भगवान के नाम के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए एकमात्र हमारा कल्याणकारी कार्य है भगवान की प्रेममय सेवा में लगना और भगवान की भक्ति में लगना। और भक्तों के संग में वो आसानी से हम कर सकते हैं। भक्तों के संग के बिना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे कलयुग में, क्योंकि कलयुग में संगे शक्ति कलो युगे। सतयुग में हो सकता था कि हम अकेले कर सकते होंगे, लेकिन कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि हम बार बार गिरेंगे तो हमें उठाने वाला कौन होगा। इसीलिए हमें संग में शक्ति से भक्ति करनी चाहिए। भक्तों के संग में हम भक्ति उच्च तरीके से किस तरह से अच्छी तरह करेंगे वो सीख पाएंगे। नहीं तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड हमने जो मेंटेन किया है वही हम चलाते रहेंगे। लेकिन भक्तों के संग में हम उचित तरीके से भक्ति करना हम सीख पाएंगे। तो समय हो रहा है, इस कथा को यहाँ विराम देंगे। जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि आगे आएगा, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे, जैसे अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि भक्तिमय सेवा प्रत्यक्ष भक्ति योगी भवबंधन के उद्धार का एकमात्र कारण है। हरे कृष्ण। किसी को कोई